फ्री फ्री फ्री। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका यूज करके आप अपनी किसी भी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा, यह एकदम पूरी तरह से फ्री है। यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आप अपनी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अपनी वीडियो का सबटाइटल बना सकती हैं। और यदि आप अगर कोई स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिए नोट्स बना सकती हैं, पीडीएफ तैयार कर सकती हैं, या आप किसी भी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उस कंटेंट को अपने ब्लॉग पर पब्लिश भी कर सकती हैं और एक अच्छा खासा ब्लॉग तैयार कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह कौन सी ऐप है जिससे आप वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकती हैं और उस ऐप को कैसे यूज करना है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें जिससे उस ऐप को सही तरीके से यूज कैसे करना है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ वह ऐप कौन सी है और वह ऐप आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो वह ऐप दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और ओपन करके टाइप कर देना है लाइव ट्रांसस्क्राइब। इतना आप टाइप करेंगे तो इस तरह से ऐप आपके सामने शो हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव ट्रांसस्क्राइब एंड नोटिफिकेशन। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ऐसे कैसे यूज करना है यह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इस ऐप को यूज करने के लिए आपको, जैसे आप किसी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दो डिवाइस होनी चाहिए। आपके पास टैबलेट या दो स्मार्टफोन होने चाहिए जिसकी वजह से आप इसे अपनी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने उस ऐप को अपने टैबलेट में पहले से इंस्टॉल कर लिया है। मैं अब उस ऐप को ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से उसका यूज करना है। तो यह रही हमारी ऐप, इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ पर बोलूँगा वह तुरंत टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर यहाँ पर लिखा हमें दिखाई देगा। तो जो भी अब हम यहाँ पर बोलने वाले हैं वह टेक्स्ट के रूप में हमें यहाँ पर लिखता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको कैसे यूज करना है अपनी वीडियो को टेक्स्ट में बदलने के लिए, तो आपको अपनी एक किसी भी वीडियो को ले लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं अपने चैनल पे एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड का पासवर्ड क्या होता है, इस वीडियो को अब मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। ऐड आ रहा है, मैं इसे स्किप कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। अब इस वीडियो को मैं प्ले कर देता हूँ। जैसे मैं इसे प्ले करूँगा, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल का माइक होता है, जो उस माइक के पास में आपको अपनी दूसरी डिवाइस को रखना है जो वीडियो आप चलाने वाले हैं। जैसे कि इसका माइक यहाँ पर दिया गया है तो मैं थोड़ा इसको पास में कर दूँगा जैसे कि यह आवाज़ को अच्छे से कैच कर सके। और यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वह यहाँ पर टाइप हो ही रहा है। इसकी जगह अब हम यहाँ पर वीडियो को प्ले कर देंगे। जो जो वीडियो में बोला गया है वह यहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट होके हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह से हम उसे ओपन नहीं कर पाते क्योंकि वह प्रोटेक्टेड होता है, उसमें लॉक लगा रहता है जिसमें हमें पासवर्ड फिल करने के बाद ही वह ओपन कर सकते हैं पीडीएफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ आप अपना आधार कार्ड का पासवर्ड कैसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोस्तों बता दूं कि एक आधार कार्ड जो मेरा है मैंने यहां पर डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं ओटीपी मैंने सेंड किया था और ओटीपी मैंने यहां एंटर कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से कितनी फास्ट तरीके से जो जो वीडियो में बोला जा रहा है, जैसे वीडियो चल रही है इस हिसाब से यहां पर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। और थोड़ा बहुत हालांकि आपको एक बार चेक करना होगा इसे कन्वर्ट करने के बाद कि कहीं कुछ मिस हो जाएंगे वर्ड, तो उसे आपको सुधार लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी किसी भी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी वीडियो के लिए सबटाइटल तैयार कर सकते हैं या फिर आप किसी भी वीडियो का कंटेंट को यहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसे किसी ब्लॉग पर या आपकी जो भी वेबसाइट है उसका यूज करके आप अपनी ब्लॉग पर पोस्ट लिख सकते हैं। दोस्तों, यह ऐप बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है और इसमें जो ट्रांसस्क्राइब होता है यानी कि जो कन्वर्ट होता है टेक्स्ट, वह बहुत अच्छी तरीके से होता है। यहाँ पर दोस्तों जो वीडियो की स्पीड है नॉर्मल, उसी स्पीड में मैंने यहाँ पर वीडियो को प्ले करके आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखाई है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपकी वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो थोड़ा उसे कम कर देना है। यहाँ पर प्ले स्पीड पर जाकर आपको थोड़ी वीडियो की स्पीड को कम कर देना है जिससे कि यह वॉइस को अच्छे से कैच कर सके और आपको थोड़ा अपना जो माइक है उसके पास में
अपनी दूसरी डिवाइस को यहाँ पर रख देना है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी वीडियो के लिए सबटाइटल तैयार कर सकते हैं और उस सबटाइटल को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। यह पूरी तरह से एकदम फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। और ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपको जो भी मिस वर्ड हो उन्हें सुधार कर लेना है। तो दोस्तों यह थी वह ऐप ट्रांसस्क्राइब जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।